फाइनली पोच ले तर आहेत। पार्किंग शोधत आहेत। ओ ये बग हाँ 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 चालेल, गाड़ी लावून येतो। हाँ हाँ गाइस, और हमें ये पे एंड पार्क 50 रुपये की पार्किंग मिली है मस्जिद के पीछे। और गाइस बाइक पार्क कर चुके हैं, तीनों राइडर पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। अजिंक्य जी कैसे लग रहा है आपको? गाइस फाइनली बाइक पार्क कर चुके हैं और अभी मंदिर में देखते हैं। 8:30 बजे से लोग लगे हुए थे, उनका अभी दर्शन हुआ है और लगभग अभी अराउंड 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। हमारा कैसे क्या होता है देखते हैं जल्दी से पहुँच के। काफ़ी लाइन थी तो हमने VIP दर्शन लेने का डिसीजन लिया है, इसके वजह से हमारा काफ़ी सारा समय बच गया है। पर 12 बजे मंदिर की आरती शुरू हो जाती है तो मंदिर बंद हो जाता है, सो आधा घंटा बाकी है, देखते हैं हमारा दर्शन हो पाता है कि नहीं। आपल्याला काय करायला लागेल? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के देख दर्शन हो चुके हैं और हम हमारी बाइक्स निकाल रहे हैं, सब गियर्स वियर्स लोड कर लिए हैं और अब निकलते हैं। चाबी लगाते हैं और यहाँ से कुछ करते हैं। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। हाँ नाही बाहेर तर निघू। काय झालं? वापस जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, उसके पहले करेंगे पेट पूजा। जालिम पेट पूजा करनी गाइस काफ़ी
ज़रूरी है। सो लेट्स गो फॉर पेट पूजा। भीड़ से निकलते हैं। 700 रुपीज़ का पेट्रोल हमने टॉप अप कर लिया है और बढ़िया नज़ारे वहाँ। एक्चुअली अपने को ड्रोन शॉट लेना था पर अभी शाम का वक्त भी है, शाम का वक्त भी नहीं है सो अभी नहीं ले रहे। देखते आगे कोई बढ़िया लोकेशन आता है तो वहाँ लेते। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और हमारा एक्सपल्स का काफिला निकल चुका है। अलग ही रूट पकड़ा है। क्या पहाड़ है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए एकदम बढ़िया पहाड़ है गाइस, जबरदस्त व्यू है यहाँ से। विंड ब्लास्ट काफी आ रहा है गाइस। गाइस फाइनली खाना खाने के लिए ग्रीन हिल रिसोर्ट में रुके हुए हैं। और ये कुंटा पापड़ा लिया तो नाव क्या होता हेड रेस्ट हैतरी वेगस होता। खींचे पापड़ जैसा ये अलग ही कुछ तो पापड़ है यहाँ का साइज। यू वी फाउंड द फास्टर रूट बाय नेशनल हाईवे 168 which saves 29 minutes. If you prefer to stay on the current route, tap no. Thanks. Hey guys, finally hill view से अलविदा कहते हुए इन माउंटेन के नज़ारों का एंजॉय लेते हुए चलते हैं अपर वैतरणा डैम की तरफ। वहाँ लेंगे तगड़े ड्रोन शॉट, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और फिर विरार के लिए कुछ कर देंगे। ये जो नजारा है, ये जो मजा है, यही है। काय चल हळू हळू जातो। और इसी डैम से पूरे मुंबई को पानी पहुंचाया जाता है। इस डैम के उस आइलैंड पे अभी हम जाने की कोशिश करने वाले हैं।
देखते हैं हमारी एडवेंचर बाइक हमें कितना साथ देती है वहाँ उस आइलैंड तक जाने के लिए। वहाँ पे एक राम सेतु बना हुआ है। हाँ केला है। तो चलो अभी बाइक पे बैठते हैं और एडवेंचर के लिए निकलते हैं। मैं लीड कर रहा हूँ इस एडवेंचर को। चलो चलो मैं देखता हूँ आगे, टेहल नहीं करता हूँ। वहां पे जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो तारा लावल तारा तारा लावल दाखो तो आहे। रास्ता चोद दिया है। नहीं रास्ता होता त्यांनी खोदला है आणि तिकडे पुढे रास्ता है ना, थांब गाड़ी लावू दे आधी। थांब तर नुसता बघतो तर जात नाही बघतो। हे वो इकडून रस्ता होता पण तो जेसीबी ने खोदला है। वहां जाने के लिए हमें मौका नहीं मिला है सो हम दूसरा कुछ स्पॉट अभी ढूंढ रहे कि जहाँ से हम कुछ एडवेंचर कर पाए, किसी एडवेंचर जगह पे जा पाए।
काय करायचं तिकडे, काय नाही मिळत, आधी गेलेले तिकडे जाऊ, चल तिकडे एक दोन ड्रोन शॉट घेऊ आपले आणि निघू, आधी गेलेले त्या स्पॉटवर ड्रोन उडवतो आणि निघू. गाड्या नीट लावा, नुसतीच धावपळ झाली. पण तिकडे जाता आलं असतं तर हा चालत गायला लागलं असत. गाइस फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है गाइस. काय
गाइस ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है और प्योर और हाफ बाकी है। ओ साई अरे हा भारी रोड होता ड्रोन शॉट घ्यायला। मी तुला एवढा हॉर्न वाजवत होता तू थांबलात नाही। जायचं का मागे हा जायचं का? तो ओपन स्पेस होता पण तिकडे भारी ड्रोन शॉट आला असता। किती वाजता पोचते दाखवते किती वाजता पोचते दाखवते? सव्वा आठ दाखवते। हा जाऊ दे चल। तिकडे भारी शॉट आला असता पण ओपन स्पेस होती अख्खी। असे तिघा जण चालल्यात आणि ड्रोन बाजूने उडतोय। चल जाऊ दे चल लेट होईल जाम। हा सो गाइस एक बेहतरीन शॉट था पर अपन ने मिस कर दिया वो। कुछ नहीं नेक्स्ट टाइम लेंगे या आगे कोई शॉट होता है तो लेने की कोशिश करेंगे।
अपनाप जंगल, और अपनाप जंगल से होते हुए विनीत जी और उनके दो दोस्त गुजर रहे हैं। बंजर है सब बंजर है, बंजर है सब बंजर है। एक गांव आ गया है, छोटा सा गांव, कस्बा, इसे अपन बोल सकते हैं कस्बा। कस्बा है, कस्बे में एक बकरी भी है। कैमरा में रिकॉर्ड हो गया रहेगा। कबूतर था, कुंभी थी, क्या थी पता नहीं, अचानक से सामने आ गई। पीनी है, पीनी है, चाय पीनी है। ट्रंका जा रहा है। सनम रे सनम रे सनम रे सनम। सही था, पर ये जो मैंने यूवी प्रोटेक्टर वाइज़र लिया है, इसके वजह से मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सोचा आपके लिए बता दूं, शाम को इसमें से बिल्कुल भी दिखने, 6:30 के बाद तो 50% विजिबिलिटी चली जाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है, पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मेजर कोई पॉटहोल मिस हो गया तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए वाइज़र खोल के ही चलाना पड़ रहा है। एक्चुअली हेलमेट ऐसा लेना चाहिए 2-in-1, उसी में गॉगल रहता है, वो वाला ही हेलमेट लेना चाहिए, जिससे ये परेशानी नहीं आती। जो कि अंदर से गॉगल गिर जाते हैं, और शाम को गॉगल ऊपर कर सकते हैं, और नॉर्मल वाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज़ अंदर गॉगल या चश्मा पहनना डे नाइट वाला, ये तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी। पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट अपने हेलमेट में ही वो ऑप्शन होगा, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। क्योंकि रात को नाइट ड्राइव के लिए ऑलमोस्ट आफ्टर 6:30 to 7 भी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, 7 बजे के टाइम पे, तो 7 से आगे सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे तक ट्रांसपेरेंट वाइजर ही रिकमेंडेड है गाइस। गोल्डन गोल्डन नज़ारा देखो गाइस, आगे लाइट बंद करके दिखा दूँ गाइस। हेलो, सो गाइस ये अपने फोग लैंप है, ये वाइट और ये येलो।
बस बढ़िया, आज काम में आ रहे। सुबह में तो आए नहीं, ये सुबह लेट निकल गए थे, पर अभी बढ़िया काम में आ रहे गाइस। फाइनली हेलो पूरा पड़त बोल काय झालं। हेलो हेलो सो गाइस बैक टू द पवेलियन। फाइनली आ चुके हैं 10,873 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी देखेंगे जाके कितने किलोमीटर अपने हुए हैं। ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर की ये राइड मेरे हिसाब से रहेगी, फिर भी चेक करके ही कुछ बकचोदी पे लेंगे। नहीं 315 किलोमीटर। व्लॉग को यही एंड करते हैं। फाइनली सेफली घर आ गए हैं। ऐसे ही अपने ऊपर जय श्री राम, भगवान की कृपा बनी रहे।